પટેલનો, જેમના સતત માર્ગદર્શનમાં આવા નવીન પ્રોજેક્ટ આપણા શહેરને સ્વચ્છ અને હરિયાળું બનાવવાની દિશામાં થતા રહે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. कहते हैं कि कण कण में ऊर्जा होती है और हमारे शहरों में तो रोज बड़ी मात्रा में कूड़ा एकत्रित किया जाता है, तो क्यों ना इन संसाधनों में बसी ऊर्जा को अनलॉक किया जाए, जिससे गंदगी कम हो, स्वच्छता में इजाफा हो और ऊर्जा भी प्राप्त हो. इसी सोच के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता से देश को दिया वेस्ट में से एनर्जी बनाने का सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विजन. ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो, ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है. ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत की हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है. माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस विजन को साकार करने के लिए किया आह्वान. यह संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का मार्गदर्शन दिया गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने. उनके नेतृत्व में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जिंदाल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट अहमदाबाद लिमिटेड के साथ अहमदाबाद में गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, स्वच्छ और हरित भविष्य की पहल स्थापित किया. 14 एकड़ में फैला यह अत्याधुनिक प्लांट 375 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है. यहाँ 40,000 मेट्रिक टन संग्रहण क्षमता से सुसज्ज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पिट यानी MSW बनाया गया है, जहाँ शहर के विभिन्न हिस्सों से लाए गए सॉलिड वेस्ट को जमा किया जाता है. इस प्लांट की दैनिक वेस्ट हैंडलिंग कैपेसिटी 1000 मेट्रिक टन है, जिसे भविष्य में 1500 मेट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है, जो अहमदाबाद शहर में उत्पन्न होने वाले कचरे का लगभग 40-50% है. यहाँ अत्याधुनिक बॉयलर्स प्रति घंटे 65 टन भाप का उत्पादन करते हैं. इस भाप की मदद से स्टीम टर्बाइन और जनरेटर के माध्यम से 15 MW प्रति घंटा बिजली का उत्पादन किया जाता है. इस पर्यावरण के अनुकूल प्लांट के संचालित होने से मूल्यवान संसाधनों की बचत होती है, जो अन्यथा पारंपरिक कोयला या जीवाश्म ईंधन आधारित प्लांट में समान मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं. ऊर्जा उत्पादन के अलावा यह प्लांट कचरे से कीमती धातुओं की भी पुनर्प्राप्ति करता है, जिससे न केवल संसाधनों का पुनः उपयोग होता है बल्कि नए संसाधनों की खपत में भी कमी आती है. बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती अर्थव्यवस्था और तेजी से हो रहे शहरीकरण के प्रभावों में से एक है बढ़ता वेस्ट जनरेशन.
जिससे बढ़ता है कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग भी। लेकिन जब हम उसी वेस्ट को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में प्रोसेस करते हैं तो हमें एक तरफ मिलता है इको फ्रेंडली वेस्ट डिस्पोजल करने का अवसर और दूसरी तरफ सामाजिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों को गतिशील बनाने की ऊर्जा। एक तरफ मिलता है मिट्टी, वायु और भूजल प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान, तो दूसरी ओर इंजीनियरिंग, निर्माण, संचालन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का होता है सृजन। और सबसे बढ़कर इस पीपीपी मॉडल प्रोजेक्ट से अहमदाबाद को मिल रहा है स्वच्छ भारत अभियान में एक नया सुनहरा उदाहरण बनकर उभर आने का अवसर। गुजरात पीएम मोदी के 2070 तक नेट जीरो के दृष्टिकोण का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्लांट सस्टेनेबल पहल में गुजरात सरकार के अग्रणी प्रयासों को उजागर करता है। जीरो वेस्ट सिटी बनाने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2070 गुजरात क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान को साकार करने के उद्देश्य से एक कदम आगे बढ़ रहा है। सीवेज जल का उपचार किया जाता है और वापस प्लांट के बॉयलर और कूलिंग टावर में उपयोग किया जाता है। यह सही मायनों में सर्कुलर इकोनॉमी को पूरा करेगा। जिंदाल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से मुख्य अतिथि गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, स्वच्छ और हरित भविष्य की पहल। सहकारिता मंत्री अमित शाह विकासिया भेट आपी है। एनर्जी पावर प्लांट नु अमित भाई शाह ना हस्ते लोकार्पण। सीधा दर्शो टीवी स्क्रीन पर आप जो रहा छो आ एनर्जी पावर प्लांट ना कि जेनाथी एनर्जी जनरेट थशे वधारे प्रमाण में। पिराणा डम्पिंग साइट खाते नो कचरो हवे वीजळी उत्पन्न करवा माटे उपयोगी बनशे, एटले के रिसाइकलिंग करवामां आवशे, रिप्रोडक्शन करवामां आवशे। उत्पन्न करवा माटे जे वीजळी उत्पन्न थशे अने ज मात्र हेतु थी आ एनर्जी पावर प्लांट बनाववामां आव्यो छे। दर्शो टीवी स्क्रीन पर आप जो रहा छो कि तेओ मुलाकात लई रह्या छे आ एनर्जी पावर प्लांट ना 1000 मेट्रिक टन कचरा माथी प्रतिदिन 360 मेगावोट वीजळी नुं उत्पादन थशे, એટલે કે બમણાથી પણ વધારે વીજળીનું ઉત્પાદન થવા જઈ રહ્યું છે, જે વીજ ખોટ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી થઈ રહી છે, જેને બમણે કરવા માટેનો આ પ્રયાસ છે। પ્રતિ કલાક 15 મેગાવોટ વીજળી કચરામાંથી ઉત્પન્ન કરવામાં આવશે, તો વીજળીને જીઈઆરસી અને ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડને આપવામાં આવશે। એમસીને 7.7 રૂપિયા પ્રતિ કિલોવોટ અને જીયુ વી એનએલ દ્વારા 6.31 રૂપિયા પ્રતિ કિલો વોટ ચૂકવવામાં આવશે। તો વીજળીનું ઉત્પાદન થશે આ એનર્જી પ્લાન્ટ થકી, અને જ એનર્જી પ્લાન્ટના દ્રશ્યો ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ રહ્યા છો। અમદાવાદના દ્રશ્યો છે, સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ ગુજરાતની મુલાકાતે છે અને વિવિધ વિકાસની ભેટ પણ આપી રહ્યા છે। જો કે દિવાળીનો આ પાવન પર્વ ચાલી રહ્યો છે, નવા વર્ષની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે અને પહેલા વિકાસની આ ભેટ।